हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक अपने ऑन रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही डिलीशियस ये फ़िश फ्राई की रेसिपी है। काफ़ी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली ये फ़िश फ्राई की रेसिपी है। और यहाँ पर मैंने 3 पीसेस फ़िश लिया है। इस फ़िश का नाम है रूपचंद फ़िश और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके ऊपर कट लगा लिया है। इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट में 2 दफ़ा ऐड करना और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर चले जाएं। तो यहाँ पर एक मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इसके बात करेंगे तो इसे हमें 4 से 5 घंटों के लिए रखना है। कम से कम इसे 3 घंटा तो रखना ही है। जितना देर मैरिनेशन में रहेगा उतना ही टेस्टी यम्मी फ़िश फ्राई होगी। तो इसे मैं रख दूँगी। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने सरसों पाउडर लिया। आप साबुत सरसों भी ले सकते हैं, सारे साबुत मसाले हैं। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी चम्मच खसखस जिसे पोस्तदाना कहा जाता है, 10 से 12 सूखे मिर्च लिए हैं, 1 बड़ा टुकड़ा नारियल का है। और इन सबों को हमें बारीक पेस्ट बना लेना है। इसमें से 3 से 4 चम्मच हम ऐड करेंगे। 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, 2 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई धनी की पत्ती है, 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 3 बड़ी चम्मच यहाँ पर बेसन लिया है, 3 बड़ी चम्मच यहाँ पर जो पेस्ट तैयार किए थे वो लेंगे, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई करी के पत्ते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, 1 अंडा लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ज़रा सा पानी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें एक बॉल, बड़े से बॉल में ऐड कर देना है। सबसे पहले अंडे को तोड़ेंगे, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने मिक्स कर लिया। ज़रा सा पानी ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत ना पतला ना बहुत ज़्यादा हमें इसका बैटर चाहिए। तो यहाँ पर बैटर कंप्लीट है। इसके अंदर फ़िश को ऐड करेंगे, यहाँ पर ऑयल भी गर्म है। इसके अंदर फ़िश को ऐड करेंगे और अच्छे से इसे हर तरफ से डुबाते हुए कोट करेंगे। फ़िश यहाँ हमारा 4 घंटा हो गया मैरिनेशन करते हुए कम्प्लीट है और हमें अच्छे से इसे डुबोना है ताकि सारे तरफ से अच्छे से एक अच्छी सी कोट हो जाए। उसके बाद इसे ऑयल में ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखा है, छींटे ना पड़े इस बात का भी ध्यान रखना है। 3 से 4 मिनट एक तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसे पलटेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है तो दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से फ्राई हो गई है और इस तरह से हमें पलट लेना है। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखेंगे ताकि अच्छे से फिश हमारी फ्राई हो जाए और इसे मैं पलट दूंगी 2 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर। दूसरी तरफ से भी फ्राई करूंगी, उसके बाद इसे पलटूंगी। तो यहाँ 4 मिनट हो गया है अच्छे से फ़िश को फ्राई करते हुए। इसे मैं उलट पलट कर क्रिस्पी फ्राई कर लूंगी, जले नहीं इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ़िश हमारी फ्राई हो गई। एक फ़िश फ्राई करने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और इसे मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ़िश हमारी फ्राई हुई, कहीं से भी कच्ची नहीं है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी है। तो इसी तरह जो भी बचा है उसे मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसी ऑयल में दूसरे को भी जिस तरह से मैंने पहले वाले को फ्राई किया लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जो भी बचा है उसे मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो फाइनली यहाँ पर मेरी फ़िश फ्राई हो चुकी है और इसे मैंने डिसआउट कर लिया है। इसे आप सैलेड के साथ सर्व करें और बहुत अच्छी लगती है। इसे चावल रोटी किसी के साथ सर्व, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर नीमक ज़रूर निचोड़ें। इसे आप जितना देर मैरिनेशन में रखिएगा हमारी फ़िश उतनी ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी सॉफ्ट फ्राई होगी। यहाँ मैं आपको पास से दिखला रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही यम्मी टेस्टी है। तो अगर मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।